आज देश में अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर की बात होती है तो एक ही बात आती है कि मंदी। बट आज जो हमारे साथ बैठे हुए हैं वो MOHI के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। इन्होंने जो आज इंस्पायरिंग स्पीच दिया है अभी एक्मा पर, उसी के मुतालिक अभी हम इनसे बात करते हैं। सर, अभी देर इज़ अ ह्यूज ग्लूम इन द इंडस्ट्री, दैट्स व्हाट वी सी। बहुत तनाव की स्थिति है, सब लोग ग्लूम की बात करते हैं। आप क्या इंडस्ट्री को मैसेज देना चाहेंगे एंड व्हाट आर क्या स्टेप्स आप लेना चाहेंगे जिससे थोड़ा सिचुएशन में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम BS4 से BS6 की ओर हमें जाना है और 1 अप्रैल 2020 से हमें शुरू करना है और ये हमारी डेडलाइन है। वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत तेजी से उसमें पहले आगे बढ़ गए। और दूसरा, हमें पेरिस एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए 100 मोटो एक्शन लेना है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर भी हमें तेजी से बढ़ना है। इसके लिए हमारा जो यूनियन बजट था 2019 और 20 का, उसमें वित्त मंत्री जी ने 10,000 करोड़ का प्रावधान क्यों रखा? इसीलिए रखा। और हम 64 शहरों में 5,595 इलेक्ट्रिक बस दे रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिशनल फेज है 2019 और 20 का, उसमें वित्त मंत्री जी ने 10,000 करोड़ का प्रावधान क्यों रखा? इसीलिए रखा। और हम 64 शहरों में 5,595 इलेक्ट्रिक बस दे रहे हैं। तो ये जो ट्रांजिशनल फेज है उसको लेकर के कुछ चिंताएं हैं। जो यहाँ अभी एक्मा का जो ये 59th सेशन था, इसमें भी आई और उसके लिए मैंने कहा कोई डरने की जरूरत नहीं है जी। गवर्नमेंट आपकी हर बात सुनेगी, हर बात का नोट लेगी और जो गवर्नमेंट कर सकती है वो निश्चित रूप से करेगी। अभी ये नौकरी को लेकर के, बिकॉज आपका जो मिनिस्ट्री है और ये जो इंडस्ट्री है आपके बहुत क्लोज है, नौकरी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लोग नौकरी जा रही है, लोगों की प्रोडक्शन कट लगातार हो रहा है, लोगों का डिमांड है कि GST कट हो, क्या लगता है आपको और स्क्रैपेज पॉलिसी जल्दी से जल्दी आ जाए, इस विषय में क्या कहना? देखिए, मैंने कहा ना ये ट्रांजिशनल फेज है। BS4 से BS6 जाना ये बड़ा काम था भारत के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आना। जब ट्रांजिशनल फेज कभी भी कुछ होता है तो थोड़ी बहुत ये जो आप चिंता करते हो, हर सेक्टर में चिंता होती है, लेकिन सरकार इस चिंता के प्रति एकदम जागरूक है। वित्त मंत्री जी को बार बार कहा है कि आप इंडस्ट्री के साथ बैठिए, लगातार वो बैठ रही है और ऑटो सेक्टर के लोगों से ही हम राय ले रहे हैं और उनसे राय ले करके अगली जो GST काउंसिल की बैठक है 20 तारीख को, उसमें आपको कुछ उसके सुखद परिणाम सुनने को मिलेंगे। मैं धन्यवादी हूँ हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने, कुछ घोषणाएं पिछली 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की और उससे बड़ी राहत भी दी। आगे भी हम और अनाउंसमेंट्स करने वाले हैं। जहां तक ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात है, सबसे पहला निर्णय अगर सरकार ने कोई किया तो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए किया, चाहे वो एडिशनल 15% डेप्रिसिएशन देने की बात हो, जो कुल मिला के 30% डेप्रिसिएशन हो, 1.5 लाख रुपये तक आपको आपके डिडक्शन इनकम टैक्स में दी, इंटरेस्ट रेट्स RBI ने लगातार कम करके बहुत बड़ी राहत दी है, जिनके हम उनके धन्यवादी भी हैं। सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए। भारत 4 स्टेज के जो व्हीकल्स बने हुए हैं वो 31 मार्च 2020 तक जो भी खरीदे जाएंगे, जब तक उनकी रजिस्ट्रेशन है तब तक वो व्हीकल चल सकते हैं, बहुत बड़ी राहत है। इसके अलावा भी जो आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस बढ़ने थे उसको June 2020 तक विलंब कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है, बहुत बड़ी राहत हमने ये भी दी है। जहाँ तक GST का मसला है, ये GST काउंसिल का विषय है, इसलिए हमने कहा है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लोग हैं, OEMs हैं, वो अपने अपने राज्य में जहाँ जहाँ प्लांट्स हैं वहाँ के वित्त मंत्री, वहाँ के मुख्यमंत्री से बात भी करें, ताकि जब GST काउंसिल में चर्चा हो तो ये विषय वहाँ पर विस्तार में चर्चा हो। केवल GST ही विषय नहीं है जिसके कारण ऑटोमोबाइल ग्रोथ थोड़ी स्लो हुई है, इसके बहुत सारे कारण हैं, चाहे वो मॉडल चेंज होने की बात हो, टेक्नोलॉजी चेंज होने की बात हो, और ज़्यादा उसमें फीचर्स और देने की बात हो, या लोग भविष्य को लेकर व्हीकल्स खरीदने की बात हो,
ये सब बहुत बड़े कारण हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल ये कि 1000 करोड़ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 करोड़ के लिए जम्मू कश्मीर के लिए पैकेज के लिए घोषणा करने वाले हैं, क्या आपको लगता है इससे जम्मू कश्मीर के हालात बदलेंगे और वहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा? जम्मू कश्मीर के हालात अनुच्छेद 370 और 35A को हटाने के बाद बहुत बड़ी बात की है कि जो हक उनके पहले नहीं मिल पाते थे हक भी मिलेगा और हक से बढ़कर भी मिलेगा, तो जम्मू कश्मीर में मिलेगा। हमारी सरकार प्रतिबद्ध है जम्मू कश्मीर के विकास के लिए।